So, hello everyone, if I am audible, give me a thumbs up, write something in comment section, then we can start the session. So thank you everyone. I'm audible to start करते हैं, okay? Hi Jatan, hi Moksha, good morning Ayushi, good morning Sanjaval. Thanks Sanjaval for informing me. Let's start the session then, okay? Yeah, so let's crack UPSC CSE Unacademy's YouTube platform, and I am Swetank. क्या करने वाले हैं? Daily morning international news analysis July 15th के लिए, यानी आज कल whatever happened, जो भी बड़ी न्यूज आई, दो चीजें जरूरी, एक तो कतर से रिलेटेड न्यूज आई, ICJ से रिलेटेड, ओके, जस्ट अ मोमेंट एवरीवन. Yeah, fine. So I'm audible. Yeah. Good. Okay. So daily international news analysis. पहले कल दो न्यूज आई. पहले तो एक कतर की ICJ से रिलेटेड, और ICJ में भी कतर की जो न्यूज आई वो फ्लाइट से और फ्लाइट रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड आई. तो वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान की जब भी बात होती है हमेशा कोई ना कोई बात घूम के आती है किस पे, कि भाई टेररिस्ट अटैक हुआ या कोई चीज़ हुई, एक इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर या तो उनकी फ्लाइट्स बैन कर दी या पाकिस्तान ने इंडिया की फ्लाइट्स बैन कर दी. देयर इज ऑलवेज समथिंग गोइंग ऑन. तो ICJ ने कतर को लेके एक डिसीजन दिया है फ्लाइट से रिलेटेड, और वो हमें देखना पड़ेगा इसलिए क्योंकि आने वाले दिन में फिर दिस ICJ का जजमेंट जो है ये डिसाइड करेगा कि हाउ इंडिया पाकिस्तान फ्लाइट रिलेशंस विल बी हैंडल्ड, ओके, बिकॉज ये कतर वाला जो जजमेंट है इट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंट भी ICJ, तो वो देखना पड़ेगा. दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो जापान चाइना का क्राइसिस, वही टेरिटोरियल गेन्स चाइना के हर तरफ. तो सेनकाकू आइलैंड के बारे में जिनको डिटेल नहीं पता है किस एग्रीमेंट में क्या हुआ था, कैसे उसका सेनकाकू आइलैंड क्यों इशू है, दैट आई विल बी टेलिंग यू टुडे. इसके अलावा हम एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, एक्चुअली दिल्ली शुड सेट इटसेल्फ अ पॉलिटिकल चैलेंज टू डिसाइसिवली टर्न ब्रिटेन इनटू फेवर ऑफ इंडिया, ठीक है. सो इंडिया के और ब्रिटेन के रिलेशन से रिलेटेड हम एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास, ओके. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, बट बिफोर दैट दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट मी. आई एम Swetank. I am teaching and guiding civil service aspirants from past 2 years in Delhi. Okay, my expertise are in GS paper 2 and PSI are optional. And following are my contact details. So if you have any query, कोई difficulty हो रही हो regarding preparation, so you can contact me here. Telegram group join कर लीजिए. I'll be uploading the PDFs of this class as well as evening में जो history sessions होंगे उनकी भी PDF I'll be uploading here on CSE_SPYT. Okay, so join this group. थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अगर कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग एनी इशू मेक श्योर टू आस्क मी, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी कीपिंग आंसरिंग इट इन बिटवीन, ओके, जो भी थोड़े बीच में क्वेश्चंस होंगे आई विल बी आंसरिंग इट इन बिटवीन, ओके. सो लेट्स टॉक अ बिट अबाउट Unacademy. देखें कोविड की सिचुएशन, अदरवाइज ऑल्सो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली सेंस में खुलने वाले हैं नहीं, ठीक है, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली इन द सेंस खुलने वाला नहीं है अभी. सो अगर खुलने वाला नहीं है तो उसके लिए इमीडिएटली अभी क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इमीडिएटली, अभी तुरंत, कि आपको प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो, आपकी पढ़ाई कहीं से इम्पैक्टेड ना हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं Unacademy. Unacademy के इकोसिस्टम में यू विल बी गिवन ऑल द फैसिलिटीज, ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन कहीं से भी इम्पैक्टेड ना हो, उसकी एफिशिएंसी पे असर ना पड़े, ओके. रिगार्डिंग सिलेबस एंड ऑल, देखें कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है कि सर सिलेबस ही इतना सारा है, कैसे प्रिपरेशन शुरू करें, क्या करें, कहाँ से करें. सो उसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है. द थिंग इज दैट आपको करना क्या है, ऑल यू हैव टू डू इज आप Unacademy ज्वाइन करें एंड टेक अ सब्सक्रिप्शन यूजिंग द रेफरल कोड SPYT. कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल हेल्प यू आउट विद इट. मैं आपको हेल्प करूंगा जो भी जिस भी तरीके से आपको नीड होगी, टाइम टेबल बनाने से लेके पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, जो भी सब्जेक्ट्स में, ठीक है, क्या सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्लान करना है, ऑल दोस थिंग्स आई विल टेक केयर ऑफ, ओके सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हाट यू हैव टू डू इज कि ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी कैसे अनअकैडमी पे, फॉर एग्जांपल डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ठीक है, लाइव टेस्ट और क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस टू एजुकेटर्स लाइक अस, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2021 या 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो यू कैन टेक अ सब्सक्रिप्शन 24 मंथ्स के लिए, ठीक है। प्राइस है 64,000 रुपीज बट आप कोड यूज करेंगे SPYT, इट विल रिड्यूस बाय 10%, ठीक है, और इट विल बिकम 57,600 रुपीज। ओके फर्स्ट थिंग, अगर आप 2020 का एग्जाम देने वाले हैं तो तुरंत जल्दी से 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बिकॉज दिस सब्सक्रिप्शन विल हेल्प यू आउट टिल द टाइम आप 2020 का मेंस और इंटरव्यू भी दे रहे होंगे। ओके सो द प्राइस इज 44,000 लेकिन अगेन अनअकैडमी लेके आई है आपके लिए 10% डिस्काउंट अगर आप कोड यूज करते हैं SPYT, इट विल बिकम 39,600 रुपीज। ओके तो दिस विल बी द इफेक्टिव प्राइस। बट बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको होता है कि भाई सर ये भी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है फीस गैदर अराउंड करने में, इश्यू क्रिएट में, सो ऑलवेज यू कैन डू इज कि 2400 रुपीज हर महीने 24 मंथ्स के लिए पे करके भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिस विल बी अ नो कॉस्ट EMI, मतलब एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। दिस इज द टोटल अमाउंट व्हिच यू हैव टू पे 2400 रुपीज एवरी मंथ। ओके सो दैट इज द इंफॉर्मेशन। देख लेते हैं कोई क्वेश्चन है कि नहीं एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन। ओके या सो ओके हाय हिमांशी, हाय रफीक, हाय यश, हाय भव्या, हाय नंदिता। प्रो रेलवे जोन, यू श्योर यू आर नॉट अ क्रिकेट टीम? हाय महेश, हाय महेश, विल ट्राई टू कीप इट मिक्सड अप। ओके हाय शीतल, हाय श्रद्धा। ओके सो UN stop code backs Qatar in air blockade row with neighborhoods. Okay, so Qatar के बारे में आपको पता है कि 2017 में 4 कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज? बहरेन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE, इन चारों कंट्रीज ने मिलकर कतर के साथ अपने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ लिए थे और कतर पे सैंक्शन के साथ चारों से बंद भी कर दिया था उसको, उसकी ब्लॉकेड करने के लिए। और रीजन क्या था? उनका रीजन था कि कतर इज डूइंग एक जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसके अपोजिट, उसके अगेंस्ट ये काम कर रहे हैं, जो एक तरीके से पूरे का पूरा अमीराती नेशनलिज्म की बात करते हैं लोग, कि जो लोग यहाँ पे सऊदी अरब, सारे मिडिल ईस्टर्न जो कंट्री है पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, इनके अगेंस्ट कतर जा रही है। कतर हेल्प कर रही है ईरान को अल जजीरा के थ्रू, कतर हेल्प कर रही है सीरियन गवर्नमेंट को, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं जो इन कंट्रीज ने कही और इन्होंने कहा कि कतर को हमें ब्लॉक करना है। अब ठीक है वो एक इनका अपना इशू है, वो चल रहा है, उसके बारे में मैं अभी आपको अगली साइड में थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। अगर आपने 5th of June की क्लास नहीं किया वो क्लास अटेंड कर लीजिए 5th of June की, और उसमें ये डिटेल आपको पूरी स्टोरी और पता चल जाएगी अगर आपको कतर क्राइसिस वाली स्टोरी नहीं पता है अभी क्या हुआ। लेकिन आपको एक चीज और पता है कि कतर की एक बड़ी फेमस एयरलाइंस है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कतर एयरवेज, ठीक है। अब कतर एयरवेज जो है उसको, क्योंकि ऑब्वियसली उसके सेंटर कतर है, हब कतर है, सो कतर से फ्लाइट लेने में उनको उसको बहुत सारी दिक्कत होनी शुरू हो गई बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकेड। तो वो कहाँ गई? वो गई ICJ में, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, हेग में। और उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो ये डिसाइड करती है कि सारी कंट्रीज के ऊपर किसे रूट आप किसके यूज कर सकते हैं, किसके एयर स्पेस में आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है, ये डिसीजन लेने में ICAO ही रेगुलेट करती है चीज़ों को। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें परमिशन मिलनी चाहिए क्योंकि अगर ये कंट्री में ब्लॉक भी कर रही हैं तो हम इनके साथ रिलेशन नहीं रखेंगे, लेकिन हमें ये एयर स्पेस देने से मना कैसे कर सकती है, ठीक है। सो इसको लेके पूरा इशू था, ये कोर्ट में केस गया। ICJ ने 14 जुलाई यानी कल जो है वो इन चारों कंट्रीज की जो पिटिशन थी, अपील थी, उसको रिजेक्ट कर दिया है और कतर को अलाउ कर दिया है कि वो एयर स्पेस यूज कर सकता है थ्रू ICAO। ओके अब ये पूरा इशू हुआ क्यों था? क्योंकि पहले कतर जो था वो ICAO में गया था, ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में। अब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने 2018 में जजमेंट दिया था कि कतर का जो इशू है, कतर को ये चारों कंट्रीज मना नहीं कर सकती उसके एयर स्पेस यूज करने से, ठीक है। इन चारों कंट्रीज ने वापस से ये ICJ में इन लोगों ने अपील क्या की कि ICAO को परमिशन कैसे मिल गई डिसाइड करने की, क्योंकि ये एयर स्पेस का इशू है ही नहीं। उन्होंने कहा कि हम तो कतर के ऊपर बैन लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेररिज्म, उसका इम्पैक्ट जो है वो एयर स्पेस और इस पूरे फ्लाइट मोबिलिटी पे पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि ICAO अल्टीमेट डिसीजन मेकर नहीं हो सकता है बिकॉज इशू जो है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इन चारों कंट्रीज का कहना था, बट इसके अगेंस्ट डिसीजन दे दिया ICJ ने। अब इसको मैं क्यों अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंडिया पाकिस्तान सिविल एविएशन रिलेशनशिप बहुत ही खराब रहते हैं। ठीक है, हर आए दिन, हर 6 महीने पे, हर साल भर पे या तो इंडिया या तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है जाओ नहीं उड़ने देंगे अब तुम्हारे ऊपर से प्लेन। ठीक है, सो इंडिया की फ्लाइट्स को अगर यूरोप जाना होता है तो उनको अगर आपको दिल्ली से यूरोप जाना है तो आपको पाकिस्तान के ऊपर से होके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आपको टर्न मार के जाना पड़ता है, अरेबियन सी के ऊपर से जाना पड़ता है, और ये सारा जो होता है ये कॉस्ट इंक्रीज कर देता है फ्लाइट्स का और इंक्रीज कर देता है कॉस्ट के साथ साथ टाइम। ठीक है, अब कोविड के बाद से वैसे भी फ्लाइट वाली जो पूरी इंडस्ट्री है, ठीक है, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री वैसे ही बैठी होगी, डिफिकल्टीज होंगी इनको, और उस समय भी ऐसी कुछ चीजें होंगी और नया प्रेसिडेंट, तो अब ICJ के थ्रू एक नया प्रेसिडेंट सेट हो गया कि अब क्या होगा, आज के बाद से एक कंट्री दूसरी कंट्री को बहुत इजीली उनके एयर स्पेस में इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी और एयर स्पेस आपको खोल के देना पड़ेगा कंट्रीज को। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये आपको समझना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस पूरे केस से रिलेटेड हैं। देखें, अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा आइडिया नहीं है आपको तो आप 5 जून की क्लास देख सकते हैं, उसमें आपको कतर वाली क्राइसिस समझ में आ जाएगी। इसके अलावा आपके सामने एक स्लाइड है, इसमें लिखा हुआ है कि These were the 13 demands जो इन चारों कंट्री ने कतर से की थी 2017 में, और ये बोला था कि अगर ये 13 डिमांड्स आप नहीं मानोगे तो हम आपके ऊपर कंप्लीट ब्लॉकेट करेंगे। डिमांड्स क्या थी, डिमांड्स ऐसी थी कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स कि पहले तो आप ईरान के साथ अपने रिलेशंस पूरी तरह से ख़त्म करो, डाउनग्रेड करो उसको, टर्की के साथ अपने सारे मिलिट्री कोऑपरेशन बंद करो जो कि हिजबुल्ला, ठीक है, और पैलेस्टीनियन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है और भी बेरूत से जो ऑपरेट करती हैं लेबनान में, उनको भी सपोर्ट देना बंद करो। जितने भी मिलिटेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, जिनको सऊदी अरेबिया कह रहा है कि वो टेररिस्ट है, वो सऊदी अरेबिया को हैंड ओवर कर दो और अल जजीरा जो न्यूज़ चैनल है उसको बंद कर दो। इसी तरीके की और भी इनकी डिमांड्स थी, तो ये डिमांड्स थी जो पूरी ना करने पर 2017 से ही कतर का ब्लॉकेट किया गया है। ठीक है, इन चारों कंट्रीज़ ने अब कहाँ पे किया है, क्यों किया है, तो अब आप पोजीशनिंग देख सकते हैं इस मैप में जो राइट हैंड साइड ऑन द टॉप दिख रही है, और ये सारी कंट्रीज हैं GCC की मेंबर, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब देखें यहाँ पे कतर है। अब अगर कतर को कतर से अगर कोई भी फ्लाइट उसको, ठीक है, इस डायरेक्शन में जानी है इस पूरे एरिया में, तो उसको कैसे जाना पड़ेगा, उसको सऊदी अरब के ऊपर से जाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इधर से जाना पड़ेगा, या तो इधर से जाना पड़ेगा, और वो कहीं से जा नहीं सकते, तो उनको हर चीज़ से राउंड करके जाना पड़ता है, और उससे क्या होता है, उससे कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, और इसीलिए उन्होंने ये केस किया था। ठीक है, जीसीसी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो आपको काम आ जाएगी प्रीलिम्स में भी, कि देखिए जीसीसी 1981 ने बना था, प्लान ये था कि इसको यूरोपियन यूनियन की तरह बना दिया जाएगा, लेकिन ये अभी तक वैसा बन नहीं पाया है। कुछ चीज़ें की गई हैं कि जीसीसी को कस्टम यूनियन बना दिया गया था 2015 में, लेकिन कतर को वापस से 2017 में इस कस्टम यूनियन से निकाल दिया गया। ठीक है, कस्टम यूनियन क्या होता है, कस्टम यूनियन होता है कि एक तरीके से फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एज वेल एज लॉजिस्टिक्स। ठीक है, मार्केट भी ओपन कर दिया आपने सबके लिए और लोगों को भी आने जाने दे दिया, इट्स काइंड ऑफ अ कस्टम यूनियन। ठीक है, कॉमन मार्केट बना दिया, कॉमन करेंसी बनानी थी लेकिन वो अभी तक बन नहीं पाई है। ठीक है, जीसीसी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जीसीसी में कोई भी एक्टिविटी होती है तो, क्योंकि बहुत सारे इंडियन नेशनल्स, ठीक है, इंडियन नेशनल बहुत सारे मिडिल ईस्ट में काम कर रहे होते हैं, और जो कि नॉन नेशनल्स हैं, मोस्टली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग जो कि इन कंट्रीज में काम कर रहे होते हैं, वो परसेंटेज वाइज आपकी स्क्रीन में लिखे हुए हैं कितने लोग कहाँ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 89.9% पॉपुलेशन जो कतर की है, ठीक है, वो नॉन नेशनल्स हैं, मतलब वो मोस्टली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, और इसलिए कोई भी इस तरीके के जो डिसीजन होते हैं जीसीसी और बाकी चीज़ों से रिलेटेड वो इंडियंस को पता होने चाहिए, इंडिया के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द स्टेट्स लाइक केरला, जहाँ पे 1/3 जो उनकी टोटल GDP है वो एक टाइम पे, अभी तो कोविड के क्राइसिस में, लेकिन कोविड के पहले 1/3 जो उनकी एनुअल GDP है वो यहाँ से रीइंबर्समेंट जो वो लोग पैसे भेजते थे, ठीक है, अपनी फैमिलीज को, सिर्फ उससे आती थी। सो इस तरह के फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद एक ICAO के बारे में भी हम देख लेते हैं जो मेंशन हुआ था यहाँ पे। तो आईसीओ बना क्यों था? आईसीओ बना था, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इसको 1944 में बनाया गया था और शिकागो में शिकागो कन्वेंशन इसको बोला जाता है यूजुअली। पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन। ओके, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन 7 दिसंबर 1944 को ये साइन हुआ था। इसको साइन इसीलिए किया गया था कि टू ओपन एयर स्पेस, वर्ल्ड वॉर के टाइम एयर स्पेस बंद हो गया था, वो सारे एयर स्पेस को खोलने के लिए ही इसको बनाया गया था, इसको डिजाइन किया गया था। तो ICAO के बारे में जान लीजिए, यहाँ पे सारी कंट्रीज अपने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स भी भेजती हैं। इंडिया का एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हमेशा ICAO में अपॉइंटेड होता है, काइंड ऑफ एन एम्बेसडर। ठीक है, इंडिया इज अमॉन्ग 193 मेंबर कंट्रीज, सारी कंट्रीज की मेंबर्स हैं और मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, यूरोप में हेडक्वार्टर नहीं है, हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल में, कनाडा में। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी। इसके अलावा फील फ्री, अगर आपको कोई क्वेरी हो सो आई विल बी इजीली एबल टू आंसर इट इन मीनवाइल। ओके, अब आते हैं अगली खबर पे, अगली न्यूज पे। जापान एक्यूजेस चाइना ऑफ पुशिंग टेरिटोरियल क्लेम्स ड्यूरिंग कोरोना वायरस पैंडेमिक। कोरोना वायरस में के बीच में ही चाइना जो है वो अपने टेरिटरीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये जापान ने एक्यूज किया है। अब जापान, देखिए चाइना के साउथ चाइना सी का आप नाम रोज सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं, लेकिन साउथ चाइना सी के अलावा और भी एरियाज हैं जहाँ पे इश्यूज हैं चाइना को। कहाँ पे? जैसे कि ईस्ट चाइना सी, जहाँ पे उसका इशू है जापान से और ताइवान से भी। अब आपके सामने राइट हैंड साइड में जो आपको कुछ ऐसे माउंटेन से हिली सिस्टम दिख रहे हैं वो है सेनकाकू आइलैंड। ठीक है, सेनकाकू आइलैंड। अब सेनकाकू आइलैंड को दायू आइलैंड भी कहते हैं चाइना के हिसाब से। ठीक है, बट हम, ठीक है, हम जापान वाला सेनकाकू ही बोलेंगे अभी। ठीक है, जापान्स क्रिटिसिज्म ऑफ चाइना इकोस सिमिलर कमेंट्स मेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड कम एज द टेंशन इन द रीजन इंक्रीजेस एज बीजिंग एंड वाशिंगटन कंडक्ट सेपरेट मिलिट्री ड्रिल्स इन द रिसोर्स रिच साउथ चाइना सी एंड एज अ रिलेशन बिटवीन वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट इकोनॉमिक डेट्रॉइट्स। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी लाइक लेट मी मेक इट इजी फॉर यू। देखिए यूएस और चाइना के इश्यूज चल रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट जो है वो एशिया पैसिफिक के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में एक्टिविटीज करते हैं, वो नेवल प्रैक्टिसेस करते रहते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि चाइना ज्यादा एक्टिव ना हो जाए, पूरे रीजन को कंट्रोल ना करने लगे। ठीक है, अब जापान की एक एनुअल डिफेंस रिव्यू होती है जो जापानीज पार्लियामेंट की में टेबल की जाती है। इसमें गवर्नमेंट, जो जापानीज गवर्नमेंट है, उसने ये बताया है कि भाई देखिए जापान जो है वो उसके आइलैंड्स थे जापान के ही, जो कि जापानीज लोगों ने पर्सनली खरीद रखे थे। ऐसे अवेलेबल होती हैं बहुत सारी कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल ग्रीस में भी, ग्रीस भी अपने आइलैंड्स पर्सनल लोगों को बेच भी देते हैं। तो ये आइलैंड जापानीज नेशनल्स के पास ही थे, उन नेशनल्स से जापान की गवर्नमेंट ने आइलैंड वापस ले लिए। अब जैसे ही आइलैंड वापस लिए, चाइना वापस से एक्टिव हो गया। अब चाइना ने क्या किया? चाइना ने अपनी शिप उन आइलैंड्स के आसपास के एरियाज में भेज दी। अब उसके रिस्पॉन्स में यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवल शिप्स थी वो भी उस एरिया में आ गई और फिर एक इशू क्रिएट होने लगा। अब इस पूरे रिपोर्ट के बारे में जापान की जो एनुअल डिफेंस रिव्यू है उसमें पब्लिश किया गया और उसमें बताया गया कि चाइना ऐसा कर रहा है, चाइना ज्यादा से ज्यादा एरियाज को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। जापान कॉल्ड इट रिलेंटलेस इंट्रूजन इन वाटर्स अराउंड अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स claimed by both nations in the East China Sea, known as Senkaku in Japan and Diaoyu in China. Okay, अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए। पहले आप देखिए ये राइट हैंड साइड जो टॉप में पिक्चर है ये है आपकी सेनकाकू आइलैंड टॉप व्यू, उसका टॉप व्यू, और दूसरा आप देखिए मैप में पोजिशनिंग क्या है। तो ये है आपका जापान मेनलैंड जापान आपका यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आप देखें अगर ये रहा आपका चाइना, और यहाँ चाइना के पास ही, चाइना से 330 किलोमीटर डायरेक्टली नाहा आइलैंड जो है ये अभी भी जापान के पास है, जापान से 410 किलोमीटर अवे, और ताइवान से 170 किलोमीटर अवे। यहाँ बीच में एक आइलैंड है उसका नाम है सेनकाकू आइलैंड। सेनकाकू, जापान में इसको सेनकाकू कहते हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी जो मेनलैंड चाइना है वहाँ डायू कहते हैं, और रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट इज ताइवान, ताइवान वाले इसको ताइयूताई कहते हैं, ताइयूताई। अब इसके बाद इस चीज को समझें कि पूरा प्रॉब्लम हुआ क्यों। ठीक है, ये पूरी मैं आपको कहानी बता देता हूँ कि हुआ क्यों। तो ये हुई कहानी कुछ इस तरीके से कि पहले जब चाइना ज्यादा पावरफुल था 14 सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक, तो मिंग डायनेस्टी थी और उसके बाद आई क्विंग डायनेस्टी। जैसे इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में पहले आए मुगल्स और मुगल्स के बाद आए ब्रिटिशर्स, उसी तरीके से वहाँ पे आए मिंग डायनेस्टी और फिर आई क्विंग डायनेस्टी, और मिंग और क्विंग डायनेस्टी दोनों के पीरियड में ये जो सेंकाकू आइलैंड था ये लास्ट पॉइंट था चाइना के रीजन में, ठीक है। चाइना का मेन फ्रंटियर था जापान के वोकू, वोकू कौन होते हैं, वोकू होते हैं जापानीज पायरेट्स को वोकू कहते हैं, ठीक है। जो रोग समुराइज होते थे ना, रोग समुराय, उनको कहते थे वोकू, वो जापानीज पायरेट बन जाते थे। अब इन पायरेट्स के लिए पूरा आप सीन इस समझिए कि ये जो लास्ट पॉइंट था जहाँ पे चाइनीज नेवी इस टाइम पे रहती थी, ठीक है, 19वीं सेंचुरी तक, उसको कहते थे, उस एरिया को कहते थे यही सेंकाकू आइलैंड तक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चाइना के जो पुराने मैप भी निकले हैं, ठीक है, कार्टोग्राफी में आपको याद करने की जरूरत नहीं है नाम, संगोकू जुत्सेसु मैप, उसमें भी जो जापानीज मैप है उसमें भी ये बोला गया है कि 18वीं सेंचुरी तक ये एरिया जो था ये जापान के पास था, ठीक है। लेकिन 1895 में, ओके, 1895 में एक ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी का नाम था फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर के बाद, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी, ओके। तो शिमोनोसेकी की जो ट्रीटी हुई 1895 में, देखें 1894 के बाद से जापान जो है वो ज्यादा एक्टिव हो गया था, उसने कोरिया में भी कब्जा करना शुरू कर दिया था और चाइना में भी। तो 1895 में चाइना और जापान की लड़ाई हुई, उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट का नाम बहुत जरूरी नहीं है लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो सो आई विल राइट इट ऑन द स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी, किमोनो पता है ना, किमोनो जापानीज ड्रेस होती है, उसे याद कर लेना, शिमोनोसेकी, ओके। सो ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी हुई 1895 से, जिसके बाद से इस पूरे एरिया पे जापानीज सोवरेनिटी बना दी गई, फाइन, चलो। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आ गई जापान वर्ल्ड वॉर में हारा 1945 में जब, तो हुआ पोसडैम डिक्लेरेशन। पोसडैम कहाँ है, पोसडैम है जर्मनी में। सो जब जर्मनी हार गया और जापान भी हार गया तो पोसडैम में डिक्लेरेशन किया गया। उस डिक्लेरेशन में बोला गया जापानीज सोवरेनिटी शैल बी लिमिटेड टू द आइलैंड ऑफ होन्शू, होकाइडो, युकुशु, शिकोकू। अब ये सारे आइलैंड जो हैं ये सेंकाकू आइलैंड के ईस्ट में पड़ते हैं, ठीक है। सो सेंकाकू आइलैंड पे किसका कंट्रोल हो गया, सेंकाकू आइलैंड पे कंट्रोल हो गया यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है। सेंकाकू आइलैंड पे कंट्रोल हो गया यूनाइटेड स्टेट्स का। अब 1945 से 1952 में, देखिए 1945 से 1952 तक पूरे जापान में यूनाइटेड स्टेट्स की कॉलोनी थी जापान, ठीक है। 45 से 52 तक पूरे जापान वाज ट्रीटेड एज अ कॉलोनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद से एक और ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को की पीस ट्रीटी के बाद जापान को उनकी गवर्नमेंट वापस की गई 1952 में। लेकिन सेंकाकू आइलैंड 1952 से 1971 तक भी किसके पास था, यूनाइटेड स्टेट्स के पास था, ठीक है। इट वॉज ओनली इन 1971 जब यूनाइटेड स्टेट्स ने वो भी जो सेंकाकू आइलैंड है उसको ऑफिशियली जापान को वापस कर दिया, ठीक है, जापान को वापस कर दिया 1971 में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1949 से 1971 तक, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं थी, एम्बेसी भी नहीं थी। तो अगर कुछ नहीं था तो अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली होगा ये कि जापान और यूनाइटेड स्टेट्स आपस में कोई भी डील करते रहे, चाइना को उससे मतलब ही नहीं था। तो चाइना खुद ही कह रहा था नहीं वो आइलैंड तो हमारा है, वो आइलैंड तो हमारा है। अब 71 में जब वो आइलैंड जापान को मिल गया और उसके बाद से यूनाइटेड स्टेट्स वहां से हट गया, तो फिर चाइना और जापान के बीच में उस आइलैंड को लेके इशू क्रिएट हो गया, ठीक है, कि एक्चुअली ये आइलैंड किसका है। तो पुराने मैप्स के हिसाब से देयर इज अ हिस्टोरिकल कंसिडरेशन कि वो जापान का नहीं, वो चाइना के पास था। लेकिन चाइना के इश्यूज खुद के हैं क्योंकि वो ताइवान से डिवाइड हो गया है। सो उस तरीके से वो जो पूरा सेंकाकू आइलैंड है, अगर वो चाइनीज एरिया में भी जाना है तो वो ताइवान को जाना चाहिए बिकॉज वो ताइवान के ज्यादा पास है इंस्टेड ऑफ चाइना, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी हो गई इसकी। प्लीज जो भी समझ में ना आया हो मुझसे बोल दें, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ओके, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड देन, ओके। आज का मेन आर्टिकल डिस्कस करेंगे। Okay, so Delhi should set itself a political challenge to decisively turn Britain in favor of India. सी राजमोहन ने आर्टिकल लिखा है। सी राजमोहन के आर्टिकल छोड़ने नहीं होते, आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सो पहले उन्होंने क्या बोला है सी राजमोहन इज ट्राइंग टू हाईलाइट कि ब्रिटेन और चाइना के बीच में देखें पोस्ट ब्रेग्जिट जो है फॉरेन और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बढ़ते जा रहा था। अब हांगकांग की वजह से कुछ इश्यूज क्रिएट हुए हैं ब्रिटेन और चाइना के बीच में, लेकिन ये ब्रिटेन के इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को चाइना के साथ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ब्रिटेन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है चाइना के साथ व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक कनेक्टिविटी एंड ऑल दैट, ठीक है। तो उसके रिलेटेड सी राजमोहन इज फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा आइडिया क्या है, Britain recognizes that China can't be the anchor of its post-Brexit foreign economic and strategic policy. Delhi has a huge opening to restructure its relationship with London. The idea is कि economic पूरी policy जो है Britain की वो अब थोड़ी सी shift हो रही है, और Britain को पता है कि एशिया में वो खाली चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसलिए ये एक अपॉर्चुनिटी है न्यू दिल्ली के लिए, इंडिया के लिए, कि वो ब्रिटेन से अपनी कनेक्टिविटी को बूस्ट करे, ठीक है। अब सी राजमोहन ऐसा जोकिंगली पहले ही कहते हैं कि मीनवाइल जब विलियम डारम्पल जो थे और शशि थरूर ये सारे लोग ब्रिटिश कॉलोनिज्म के बारे में लिख रहे थे इंडिया में, ठीक है, कि कॉलोनियल पावर ने रॉबर्ट क्लाइव ने इंडिया में क्या क्या किया, ये सारी चीजें मीनवाइल जब शशि थरूर की जो बुक आई थी द डार्केस्ट एज डार्केस्ट ईरा आई थिंक सो या अभी कुछ दिन पहले, और विलियम डारम्पल की अनार्की, इन दोनों बुक्स में, ये मैं आपको बता रहा हूँ अलग से, इन दोनों बुक्स में कॉलोनियल पावर ने इंडिया में किस तरीके से चीज़ें खराब की, किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को डिग्रेड किया, इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन है। सो मीनवाइल ये सारी चीज़ें हो रही थी और इंडियन इंटेलिजेंसिया ये सब पढ़ने में बिजी था, ठीक है, वापस से अपने आइडियाज़ को रिफ्रेश करने के कि आखिर चलो फिर हम यूनाइटेड किंगडम को कैसे गालियाँ देंगे। इन द मीन टाइम लंदन में चाइनीज़ जो थे वो नए नए सारे जो भी लंदन के सबसे रिच और एक्सपेंसिव एरियाज हैं, लोकेलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको चाइनीज खरीद रहे थे। चाइनीज वर बाइंग इनटू द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रिटिश रूलिंग कास्ट रीजन्स, ओके, जो उनके टेरिटरीज हैं उसमें वहाँ पे वो प्रॉपर्टीज बना रहे थे। अब इससे होगा क्या, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज नो लेस एंटी इंपीरियलिस्ट देन द इंडियन नेशनलिस्ट, ठीक है। अब ये जो इंडिया में भी आपको पता है कि क्या हमने इंपीरियलिज्म देखा है, तो इंडिया में जो भी इंडियन नेशनलिस्ट लोग होते हैं सारे लोग ये कहते हैं कि इंपीरियलिज्म का की खिलाफत करना, टू गो अगेंस्ट द एनी आइडिया ऑफ इंपीरियलिज्म, ये हमारे रग रग में बसा हुआ है। उसी तरीके से चाइना का भी है, चाइना में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन चाइना में भी उन्होंने सेंचुरीज ऑफ ह्यूमिलिएशन देखा है। उन्होंने 19th सेंचुरी की 1844 से लेके 1870s 1880s तक 2 ओपियम वॉर देखी है, किस तरीके से उनके सारे चाइना की पोर्ट सिटीज़ को भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के हाथ में दे दिया गया था, वो सारी चीज़ें उन्होंने भी देखी हैं। तो उनके अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, उनके अंदर भी नैरेटिव बना हुआ है कि एंटी इंपीरियलिज्म इज़ द वे फॉरवर्ड, ठीक है। सो उसको हाईलाइट करते हुए सी राजमोहन क्या कह रहे हैं कि इसको देखते हुए बट इंडिया और चाइना के बीच में डिफरेंस क्या हो जाता है, इंडिया के जो एलीट्स हैं, इंडिया की जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो एंटी इंपीरियलिस्ट तो है, बट जब उनको यूनाइटेड किंगडम के साथ काम करना होता है, जब उनको ब्रिटेन के साथ 1-to-1 इंडिविजुअल लेवल पे काम करना होता है, सो वी आर एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल विद द ब्रिटिश पीपल इन सच अ सेंस कि समटाइम तो ऐसा फील होता है कि हाँ, जैसे बिहार के एक रूलर थे, एक रीजन के बिहार में, उनका नाम था टीपू सिंह, जिनके बेटे हैं, जिनके सन है एनके सिंह जो 15 फाइनेंस कमीशन के हेड हैं। सो टीपू सिंह ने एक बार एक्चुअली कहा था द लास्ट इंग्लिश जेंटलमैन विल ऑलवेज बी समवेयर नियर कटिहार एंड मोतिहारी, ओके। द आइडिया इज कि कई बार तो ऐसा हो जाता है कि इंडियंस जो होते हैं वो ब्रिटिशर्स से ज़्यादा ब्रिटिश बन जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ को बताते हुए सी राजमोहन क्या कह रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे इंडियन एलिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं ब्रिटिश पीयर्स के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, बट दैट इज़ नॉट द केस विद चाइना, ठीक है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उनको डिफरेंसेस पता है। सीसीपी हैज सिस्टमेटिकली एडवांस्ड इट्स स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस इन ब्रिटेन, ठीक है। सो इनिशियल डेज में ऑल्दो चाइना और ब्रिटेन के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन पास्ट 30 इयर्स में, स्पेसिफिकली 21st सेंचुरी में, लास्ट पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, लास्ट डिकेड और 21st सेंचुरी में कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट चाइना जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उसने बहुत ज़्यादा काम किया है अपने रिलेशंस को यूके के साथ बिल्ड करने पे, एंड दैट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। तो अब देखिए दिल्ली जो है उसको, दिल्ली को यानी इंडिया को बहुत डिफिकल्टी होती है अपने इनहेरिटेड ग्रीवांसेस जो है, एंटी इंपीरियलिज्म वाली जो पूरी सोच है उसको करंट स्ट्रैटेजिक इम्परेटिव से अलग करने में, लेकिन ये प्रॉब्लम चाइना को नहीं हो रही। सो मच सो चाइना इज इन्वॉल्व इन ब्रिटेन कि ब्रिटेन जो है वो Huawei को बंदी नहीं कर पा रहा था। इंडिया Huawei के अगेंस्ट इंडिया ने डिसीजन ले लिया, यूएस ने ले लिया, यूएस ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर भी बना रहा था बट ब्रिटेन Huawei के अगेंस्ट डिसीजन नहीं ले पा रहा था। बहुत मुश्किल से अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अप टू सर्टेन एक्सटेंट Huawei के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक रिपोर्ट आई थी ब्रिटेन में ही, उसका नाम था एलीट कैप्चर। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि किस तरीके से, ये ब्रिटिश रिपोर्ट है जिसके बारे में सी राजमोहन बता रहे हैं, एलीट कैप्चर। जिस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि किस तरीके से बीजिंग यानी चाइना जो है इज कन्वर्टिंग ब्रिटिश रूलिंग क्लास, मतलब जो सारे ब्रिटेन में लॉर्ड्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लोग हैं, इन सारे लोगों को इस ये रिपोर्ट क्या कह रही है, एलीट कैप्चर ये कह रही है ऑल दीज पीपल आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू यूजफुल इडियट्स फॉर प्रमोटिंग चाइनीज इंटरेस्ट। ठीक है, द रिपोर्ट डेट्स एलीट्स कैप्चर टू द डेविड कैमरून ईयर्स, मतलब 2015 से पहले का जो फेज था उसी टाइम पे ये कह रहे हैं कि उस टाइम में जब डेविड कैमरून, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, ठीक है, उस टाइम पे जो लंदन शहर में बहुत सारे बीजिंग ने अनअनाउंस गोल्डन ईरा बायलैटरल रिलेशनशिप में कहते हैं उसको, बीजिंग और लंदन के बीच में गोल्डन ईरा। यहाँ पे हुआ क्या था, एक और बुक रिलीज हुई है, बुक की डिटेल्स आपको जरूरत नहीं है जानने की, जिसमें ये बताया गया है, वो एक जर्मन थिंक टैंक से रिलेटेड बुक है, चाइनीज इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस अक्रॉस मेनी ज्योग्राफीज इंक्लूडिंग ब्रिटेन एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो थिंक टैंक्स में कैसे चाइना इन्वॉल्व हो रही है, हाउ डिसीजन मेकिंग और नैरेटिव बिल्ड करने में भी चाइना अब इन्वॉल्व हो रही है इन द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज यूनाइटेड किंगडम। China may have crossed the line between a legitimate effort at winning supports in the countries and the unacceptable use of corruption and coercion. The idea is कि देखिए सारी कंट्रीज लॉबिंग करती हैं, हर जगह आप इन्फ्लुएंस जीतने की कोशिश करते हैं, नेटवर्किंग इज अ गेम ऑफ पार्ट एंड पार्सल ऑफ होल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, आप लोगों के साथ रिलेशन बिल्डअप करते हैं। अब अगर कहीं से आपको कहीं से पता चल जाए कि ओके भाई प्रिंस विलियम्स के साथ हम पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सारी चीज़ें करेगी कि वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस जीत सके, बट उसकी एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या होती है कि आप लोगों से इन्वॉल्व होंगे, लोगों के साथ बात करेंगे, बट आप करप्शन नहीं करेंगे, आप कोअर्शन नहीं करेंगे, उन्हें सप्रेस करके किसी इलीगल तरीके को यूज नहीं करेंगे। बट चाइनीज आइडियाज की नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वो भी कर लेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो लेनिनिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करती है। अब लेनिनिस्ट ट्रेडिशन क्या है, तो आपको पता है कि रशिया में कौन थे, सोवियत यूनियन को किसने बनाया था 1917 में, पहले उनके जो लीडर थे उनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। पूरा नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका पूरा नाम था व्लादिमीर इलिच लेनिन। ओके, लेनिन उनका ऑल्सो नोन एज लेनिन कहते थे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अरे किसी का नाम अगर राजकुमार होगा दिल भी लाइक राजू। ओके, सो समथिंग लाइक दैट ही वॉज कॉल्ड एज लेनिन। ठीक है, उनका नाम था व्लादिमीर इलिच लेनिन। सो व्लादिमीर लेनिन जो थे उनका एक पूरा बहुत फेमस कॉन्सेप्ट था, उन्होंने ये कहा था एक बार कि ही फेमसली डिक्लेयर्ड दैट ग्रीडी कैपिटलिस्ट विल बी हैप्पी टू सेल द रोप दैट कम्युनिस्ट इंटेंड टू हैंग देम विद। आइडिया ये था कि उनका कहना यह था कि अगर कम्युनिस्ट लोग जाएं सारे कैपिटलिस्ट लोगों को फांसी लगाने, तो कुछ और कैपिटलिस्ट आ जाएंगे जो वहां बगल में खड़े होकर रस्सियां बेचने लगेंगे कि हमसे रस्सियां खरीद लो और इन लोगों को फांसी लगा दो। ठीक है, सो यही होता है, यही और इसी आइडिया को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी फॉलो कर रही है, क्योंकि उनको पता है ब्रिटेन कैपिटलिस्ट सिस्टम पे काम करता है, इसलिए हम ब्रिटिशर्स को यूज करके ब्रिटेन में एक तरीके से ओवरलॉर्डशिप बना सकते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कैप्चर कर सकते हैं। सीसीपी डिड नॉट हैव टू ट्राई एट ऑल। ठीक है, अब देखें शी जिनपिंग के प्रेसिडेंटशिप में ये चीजें और ज्यादा हो गई हैं, ठीक है, और ज्यादा लेवल पे बढ़ गई हैं। दिल्ली वॉज मोर देन ईगर to preemptively defer to Beijing's sensitiveness despite the many challenges that China poses to its economy and security. अब देखिए इंडिया के साथ रिलेशनशिप में भी ये हुआ कि चाइना को ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं पड़ा, इंडिया ने उसकी बात इनिशियली मान ली कि चलो ठीक है हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मालाबार एक्सरसाइज जैसे हो रही थी इंडिया चाइना, इंडिया और उसमें ऑस्ट्रेलिया को पार्टिसिपेट करना था, चाइना को इशू हो रहा था, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से कहा भाई मत पार्टिसिपेट करो। अब इस तरह की चीजें जो है ये चाइना के लिए लोग 2007, 8, 9, 10 में खुद ही कर देते थे। ठीक है, सेम चीज हैपेंड विद ब्रिटेन आल्सो, लेकिन इंडिया जो है उसको ये पैटर्न अपना चेंज करना पड़ेगा। इंडिया कैन लर्न फ्रॉम चाइना सक्सेसफुल इन्फ्लुएंस ऑपरेशन इन ब्रिटेन। उसके 3 पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं सी राजमोहन ने। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइनीज एम्फेसिस ऑन सेपरेटिंग एंटी इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी एंड द परस्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, इन द सेंस कि आप रियलाइज कराइए, आप लोगों को बताइए कि आपके साथ क्या गलत हुआ था, और इवन आप उसको यूज करके अपनी इकोनॉमी, अपने लोगों को नेशनलिज्म की भावना भी भरिए, दैट इज फाइन, ठीक है। लेकिन अभी आपकी कंट्री के ब्रिटेन के साथ रिलेशनशिप खराब नहीं होने चाहिए सिर्फ इसलिए कि आज से 70, 80, 90, 100, 200 साल पहले किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, किसी ब्रिटिशर ने आपकी कंट्री में लोगों के साथ गलत किया था, ठीक है। सो दैट इज सम वेरी सिमिलर समथिंग लाइक कि अगर आप बुक्स पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बुक्स तो आपको पता चलेगा जब मराठा किंगडम था तो दे यूज टू रेड अ लॉट ऑन द बंगाली साइड, ओके। बंगाल और बिहार में मराठा किंगडम के सिपाही आते थे और वो पूरे एरिया को तोड़ के, डिस्ट्रॉय करके, लूट के भाग जाते थे। लेकिन उसके कारण क्या बंगाल और महाराष्ट्र के बीच में रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसी तरीके से आपको भी चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है जो बात हुई वो है, लेकिन आपको यूके और इंडिया के रिलेशनशिप उससे इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए जो अभी भी होते हैं। देन बीजिंग हैड नो प्रॉब्लम इन एफर्टलेसली मूविंग फ्रॉम एन अलायंस विद द सोवियत यूनियन। देखें बीजिंग के साथ बेनिफिट ये है चाइना के साथ, जो सी राजमोहन मेंशन कर रहे हैं कि 1950 से 1970 तक बीजिंग जो था यानी चाइना जो था वो सोवियत यूनियन के साथ कनेक्शन में था। 1971 में जैसे ही 72 में जैसे ही रिचर्ड निक्सन और माओ की बात हुई, रिचर्ड निक्सन चाइना गया, उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से चाइना शिफ्ट करना शुरू कर दिया चाइना ने। एंड बाय द टाइम 1980s चाइना वाज इन अ फार हेल्दी रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स देन विद सोवियत यूनियन, और उसका बेनिफिट आपको पता है ओवर द पीरियड कितना ज्यादा मिला, ठीक है। सेपरेटिंग ब्रिटेन फ्रॉम द यूएस एंड वीकनिंग 5 वाइड अलायंस ऑफ द एंग्लोस्फेयर, ये जो है ये चाइना का मेन एजेंडा है, ठीक है। क्या एजेंडा है चाइना का कि किस तरीके से ब्रिटेन और यूएस को अलग कर दिया जाए, ठीक है। ये जो कहा जाता है ना द ब्रदर्स अलोंग द टू साइड्स ऑफ द अटलांटिक लेक, ठीक है, ब्रदर फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द लेक कहते हैं यूएस वाले, ठीक है। क्यों? क्योंकि अटलांटिक को वो लेक मानते हैं और दूसरे साइड उनके कौन रहते हैं, ब्रिटिश लोग। सो हमेशा से ये प्लान रहता है कि किस तरीके से चाइना ब्रिटेन और यूएस को के रिलेशंस को उतना खराब कर दे, और ये जो एंग्लोस्फेयर वाली 5 कंट्रियां हैं यानी कौन कौन सी, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, ये 5 कंट्रियां हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है और ये एक तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कैसे मेजरली इन कंट्रीज को इम्पैक्ट किया जाए और यूके को इनसे अलग करके चाइना के साथ रिलेट किया जाए। यूके हैड डिसाइडेड टू ब्रेक फ्रॉम द यूएस एंड टर्न Huawei फॉर इट्स 5G फ्यूचर। अब इसका आउटकम ये दिख रहा था कि यूके ने फाइनली डिसाइड किया कि वो Huawei को परमिशन दे देंगे, ऑल्दो जब भी यूएस कह रहा था कि आप 5G के लिए Huawei को परमिशन मत दीजिए। ऑलरेडी फ्रांस ने परमिशन दे भी दी है, यूके ने कहा था वो भी परमिशन दे देंगे, लेकिन अब फाइनली बोरिस जॉनसन ने डिसाइड किया है कि वो परमिशन नहीं देंगे या फिर थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, ठीक है। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इंडिया को चाइना से सीखनी पड़ेंगी, जो इंडिया इस तरीके से चीज़ें बिहेव नहीं करता है, ठीक है। फाइनली जो लास्ट लेसन है इसमें देखने के लिए वो है इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस कैन शेप पॉलिसी एवोल्यूशन इन टारगेटिंग नेशंस, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस कैन शेप पॉलिसी एवोल्यूशन इन टारगेटेड नेशन, मतलब जैसे ब्रिटेन जो है वो एक टारगेटेड कंट्री है चाइना के लिए। अब यहाँ पे किस तरीके से आप पहले इन्फ्लुएंस जीतेंगे लोगों के ऊपर, और आप जो इन्फ्लुएंस बनाएंगे लोगों पे वो ब्रिटेन की पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को चेंज कर देगा, और ये जो है ये लॉन्ग टर्म प्लान है चाइना का, ठीक है। मेजर रिवोल्ट इन कंजर्व, इसके कारण कंजर्वेटिव पार्टी जो ब्रिटेन की है उसमें भी इशू क्रिएट हो गए Huawei के डिसीजन को लेके, और बोरिस जॉनसन ने फाइनली डिसाइड किया है कि कुछ हद तक वो पार्शियल डिसोसिएशन रखेंगे Huawei, लेकिन पूरी तरीके से Huawei को बैन नहीं करेंगे जैसे इंडिया और यूएस ने कर दिया है, ठीक है। बिगेस्ट लेसन क्या है इंडिया के लिए इस पूरी चीज में, दिल्ली शुड नॉट राइट ऑफ ब्रिटेन एज अ स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी इन इट्स फॉरेन पॉलिसी कैलकुलस। एक पीछे पूरा पॉइंट चल रहा था कि नहीं ब्रिटेन तो अब उतनी पावरफुल कंट्री भी नहीं है, उसके साथ रिलेशनशिप, ट्रेड रिलेशनशिप रखेंगे बट स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप का मतलब नहीं है। लेकिन सी राजमोहन इज हाईलाइटिंग अगेन कि ये करने की जरूरत नहीं है, इंडिया को ब्रिटेन की अभी भी इंपॉर्टेंस है और इंडिया को वो इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। ब्रिटेन्स इनकॉग्निबल बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देखिए इंडिया और पाकिस्तान की जब भी बात होती है लंदन ने हमेशा अपने आप को मेंटेन रखा है, वो कभी इंडिया की तरफ नहीं झुकता, कभी पाकिस्तान की तरफ नहीं झुकता, लेकिन बीजिंग ने जो करके दिखाया है उससे इंडिया एग्जांपल ले सकता है कि नहीं हम भी ब्रिटेन को अपनी ओर लेके आ सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स पाकिस्तान। क्योंकि देखिए आपको अच्छा लगे खराब लगे लेकिन इंडिया पाकिस्तान इशू में जब भी आप उसको वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबलाइज करोगे उसमें ब्रिटेन एक पार्टी बन ही जाता है बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल नेचर ऑफ द होल इशू, ठीक है। इस चीज को जयशंकर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने एक बिजनेस समिट में लास्ट वीक ये भी बोला that Britain remains a top-tier economy, has much international influence, enjoys special relations with US and Europe, and is an important global hub of research and innovation. And there is no chance कि India के लिए वो importance ना रखे. लेकिन and that is something which ऐसे दिख भी रहा है कि India in the coming days China के साथ साथ China पे control करने के लिए UK के साथ भी अपने relations को develop करेगी. Something similar has to be done with पेरिस ऑल्सो इन द लॉन्ग टर्म. ठीक है, तो पेरिस के बाद भी हम बात करेंगे. एंड दिस इज ऑल शुड बी कैरिंग ऑन, जो कि सी राजमोहन कह रहे हैं कि मीनवाइल हम थरूर को पढ़ते रहें, शशि थरूर की बुक्स को, हम विलियम डारिम्पल को भी पढ़ते रहें, हम एंशियंट टाइम में और हिस्टोरिकल टाइम में ब्रिटेन ने क्या किया है उन गलतियों को क्रिटिसाइज भी करते रहें, लेकिन उससे प्रेजेंट टाइम में हमारे और ब्रिटेन के रिलेशनशिप को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए. वाइट हॉल क्या है, जैसे इंडिया में साउथ ब्लॉक कहते हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की इंडिया की जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, उसकी हेड ऑफिस साउथ ब्लॉक में है. वैसे ही व्हाइट हॉल जो है वो लंदन में ऑफिस है जहां से ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्ट्री चलती है. सो व्हाइट हॉल से रिलेशन साउथ ब्लॉक को अच्छे मेंटेन करके रखने पड़ेंगे. सो दैट इज ऑल जो मुझे एक्सप्लेन करना था आज की क्लास में. आई विल टेक सम क्वेश्चंस एंड देन वी विल एंड द क्लास. ओके, so Kanav is asking, is Japan pushing for the 9-dash line dispute as well? How will this affect the already delicate dynamics of South China Sea? Kanav, देखिए, you have to understand, जो 9-dash line है साउथ चाइना सी में उसको जापान मानता ही नहीं है, तो पुशिंग की तो बात ही नहीं होती. ठीक है, पहली बार यू नीड टू अंडरस्टैंड, जापान उन 9-dash लाइन की सोवरेनिटी को मानता ही नहीं है. ठीक है, तो पुशिंग वाली बात आती नहीं है. Then Sanjaval is asking, sir, what according to you is the proper definition of nationalism? I personally believe that countries use and mold nationalism for their benefits. Sanjaval, for nationalism, try and if you get time, छोटी सी बहुत पतली सी बुक है nationalism पे, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है nationalism. ठीक है, उसके बारे में पढ़िए, and that is actually the correct definition of nationalism जो रविंद्रनाथ टैगोर बताते हैं. And then read nationalism in with the perspective of relating it with patriotism. ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत थिन सी बुक है, इतनी पतली सी होगी, एक दिन में आप पढ़ लेंगे. एंड रीड दैट, यू विल हैव अ बेटर आइडिया. अनिमेश इज आस्किंग, सर इफ यू कैन मेक अ वीडियो ऑफ चाइना सेंचुरीज ह्यूमिलिएशन देन प्लीज डू सो. अनिमेश, आई हैव ऑलरेडी टेकन क्लासेस ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन. ओके, अनअकैडमी की वेबसाइट पे देखेंगे अगर आप, तो वहाँ फ्री क्लासेस वाले सेक्शन में मैंने 1911, 1894, 1919, 1949, 1945 इन सारे टाइम में चाइना में क्या हुआ था ये सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं. ओपियन वॉर भी अलग से कवर कर रखी है. बट इवन दो अब इफ एवरीवन विल बी वांटिंग इट, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट. ओके, जस्ट टू फॉर हाईलाइटिंग दैट. ओके शीतल, आई आंसर इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, नो इशूज. ओके, स्टार्ट विद गोबा एंड रीडिंग विद फ्रॉम गोबा, दैट विल बी इनफ. ओके या, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द CSE_SPYT टेलीग्राम ग्रुप. मैं क्लास PDF वहाँ अपलोड कर दूंगा. यूज द कोड SPYT whenever you have making a subscription on an academy. Like the video, share it with fellow aspirants. That will be all for today's class. If you have any query and questions, feel free to contact me. Okay, thanks a lot for attending the session. I'll be here back 7 o'clock to take the class on Bipin Chandra. That will be the final session on Bipin Chandra. Bipin Chandra खत्म हो जाएगी. And then 8 o'clock we'll talk about 2 more classes are there for ancient history. तो ancient history की classes हम खत्म करेंगे and then we'll switch to move to medieval history. और at the same time I'll be starting something new on Unacademy's platform which will be free for all. So आप लोग attend कर सकते हैं. Okay.